100 रुपए तो हो गए 2 वक्त की हांडी के, और 20 रुपए हो गया मेरा किराया, और 20 रुपए फौजिया की खर्ची, बाकी 70 रुपए। लेकिन खांसी का शरबत तो 90 रुपए का था। खांसी का शरबत तो जरूरी है, मैं ऐसा करती हूँ, आज पहले आना जाना कर खांसी का शरबत। आज ये ले 50 रुपये, और ऐसा करना चने की आधा पाव दाल ले आना, और देख ऐसा करना कि पतली दाल बनाना ताकि दोनों टाइम हो जाए। जी अच्छा अम्मा। और अम्मा मेरी खर्ची? अरे आज पैसे कम है, तू कल ले लेना डबल खर्ची। अम्मा अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए थोड़े से पैसे भी नहीं है। तो मासी हूँ मैं, कोई सरकारी नौकर नहीं हूँ, और हक हलाल की कमाई में इसी तरह गुजारा करना पड़ता है। और देख तू अब बड़ी हो रही है, सबर शुक्र करना सीख। कोई नहीं अम्मा, मैं खर्ची के बगैर कॉलेज नहीं जाऊंगी। फौजिया पहले ही कम खर्ची मैं लेके जाती हूँ पूरी क्लास में। तो बेटा मैं तुझे मना थोड़ी कर रही हूँ, कह तो रही हूँ आज तनख्वाह मिल जाएगी कल डबल खर्ची ले लेना। और अगर तनख्वाह ना मिली तो कोई बात नहीं, कल मिल जाएगी परसों ले लेना, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ तुझे। नहीं भाई नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुमने मुझे आज पैसे नहीं दिए ना तो मैं नहीं जाने वाली कॉलेज। फिर वही बकवास, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, बोल कॉलेज जाएगी कि नहीं जाएगी। अम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है अम्मा, छोड़ो। अरे अम्मा 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 उसे दर्द हो रहा है। तू छोड़ दे साइमा, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अरे ये क्या मछली बाजार लगा रखा है तुमने? अम्मा वो ठिकाने लगाती हूँ। अरे अम्मा अम्मा बच्ची अम्मा, वो शादियों के मेरा मतलब है बैठ घर में। अब अबू पानी ना हुआ? नहीं अब्बा, वो मैं सौदा लेने के लिए जा रही हूँ। सुनिए मैं जी, घर की स्त्री जल गई है क्या, या बिजली का कहत पड़ गया है घर में, तुझे गुंजल कपड़े पहन के जा रही है? तो वो जो मैंने तुम्हें सुर्खी पाउडर तुम्हारी माँ से मंगवा के दिए थे, वो सजाने के लिए नहीं है, सजने के लिए। मगर मैं तो बस सौदा लेने के लिए जा रही। सब्जी लेने जाओ या गली के कोने तक झांकने के लिए भी जाओ, तब भी अपना होलिया देख के जाओ, क्या कहेंगे लोग? यादें लगड़ा अपनी बेटियों को ढंग से बनाने के काबिल भी नहीं रहा। अब्बा ऐसी बातें मत। अच्छा बस जा, झूठी हमदर्दियां मत जता मुझे। आज तूने अपने दिल की बात कहनी है सुल्तान, वरना तू देखते ही रहेगा और ट्रेन निकल जाएगी। लेकिन कैसे, मुझे क्या पता उसके दिल में क्या है, उसने तो मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। आज बिल्कुल नहीं घबराना सुल्तान, come on।
उसने आंख उठाकर नहीं देखा तो क्या होगा? तो मेरे दिल में तो सिर्फ वो है, और जब तक मैं उससे बात नहीं करूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके दिल में क्या है? आधा पाव चने की दाल दे दीजिए। वालेकुम जी, अभी दे दीजिए। साइमा, वो मैं आपको पसंद करता हूँ और अपने घर वालों को आपको भेजना चाहता हूँ। ये रही आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई और ये आपका खांसी का शरबत और ये आपकी ताकत की दवाई। और लड़कियों के नए जोड़े? अभी तो एक ही जगह से तनख्वाह मिली थी तो मैंने सोचा आपकी दवा ले लूं और घर का मोटा मोटा सौदा। दूसरे बंगले से तनख्वाह मिलेगी तो देखूंगी। वैसे 500 रुपए महीने की बीसी डल रही है, पूरे 25,000 मिलेंगे। मैं सोच रही हूँ मैं भी डाल दूँ। क्यों, किस लिए? बच्चियां जवान हो रही हैं, कल को कहीं से भी पैगाम आ सकता है। कोई जरूरत नहीं है किसी बीसी वीसी की, पैगाम आएगा तो देख लेंगे। लेकिन अभी से थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे तब कहीं जाकर उनकी शादियों। अरे बस, तुम्हारी समझ में मेरे ख्याल मेरी बात आ नहीं रही जो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ। दूसरे बंगले से तनख्वाह मिलेगी तुम्हें तो लड़कियों के लिए ले आना नए जोड़े, और हाँ, एक अपना एक फौजिया का जोड़ा और सायमा के लिए दो जोड़े लेके आना। उसे बाहर जाना होता है। तो क्या जरूरत है उसे बाहर निकलने की? कितनी बार तो मैंने बोला है कि बाहर का सौदा भी मैं ले आऊंगी। जवान बच्ची है, अकेले बाहर भेजने की क्या जरूरत है? माहौल देखा है आपने? माहौल इंसान खुद बनाता है शमसा खातून। अच्छा लगना और ना लगना कोई जरूरी नहीं है। जरूरत इस बात की होती है कि आप अपनी औलाद को माहौल और हालात देखकर जीना सिखाएं। माहौल। और हाँ, चलो अगर आपने अपनी लड़की को बिठा लिया आज अपने घर पे, उसकी शादी हुई, ससुराल वालों ने अगर उसे किसी नौकरी पे डाल दिया तो क्या करेगी वो? बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी। लेकिन यार, लेकिन लेकिन छोड़ो, जाके देखो तुम्हारी बच्ची ने रोटियां उतारी कि नहीं उतारी। अभी तुम्हें दूसरे बंगले में भी जाना है काम करने। तो बस फिर मैं आपकी बेटी साइमा का हाथ अपने बेटे सुल्तान के लिए मांगने आई। अब तुम उनके चक्कर में इसको घर में कैद कर दोगी क्या? इनकार कर दो उससे। क्या? की अम्मी जिसकी गली के कोने पे किराने की दुकान है। जी जी जी, मैंने दो एक बार देखा है आपको वहां से निकलते हुए।
बैठिए, जाओ बेटा खाला के लिए चाय बना के लाओ। जी माशाल्लाह से आपकी बेटी बहुत प्यारी है। जी शुक्रिया। कहीं बात बात चलाई इसकी या अभी नहीं? मैं आपका मतलब नहीं समझी। ज्यादा घुमा फिरा के तो बात करने की आदत नहीं है मेरी। मैं आपसे आज कुछ मांगने आई हूँ। जी बोली। हम एक ही इलाके में रहते हैं, ये अलग बात है कि एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है हमारा, लेकिन हम आपके देखे भाले हैं और आप हमारे देखे भाले हैं। बिल्कुल। तो बस फिर मैं आपकी बेटी साइमा का हाथ अपने बेटे सुल्तान के लिए मांगने आई हूँ। माशाल्लाह। जी मैं अपने शौहर से मशवरा करके इसका जवाब दूंगी। जी जरूर बिल्कुल, लेकिन बहन जवाब हाँ में ही होना चाहिए। साइमा की बच्ची, बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बहन। जी अल्लाह का जोर है। जरूर। फौजिया जल्दी कर लो, देर हो रही है। अरे अम्मा तुम्हें क्या इतनी जल्दी है, अभी मेरे कॉलेज जाने में थोड़ा टाइम बाकी है। वो तो मुझे भी पता है, पहले तुझे कॉलेज छोड़ूंगी, फिर दोपहर की हांडी का सामान लूंगी। अब सुल्तान की दुकान पे साइमा थोड़ी जा सकती है। क्यों क्यों नहीं जा सकती है सुल्तान की दुकान पे? क्या हो गया साइमा के अब्बू? कल ही तो सुल्तान की अम्मा रिश्ता लेकर आई है। तो अब तुम उनके चक्कर में इसको घर में कैद कर दोगी क्या? इनकार कर दो उससे। क्या क्या कह रहे हैं आप? मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, मुझे दोपहर में जरा बाहर जाना है। अम्मा तू घबरा मत, मैं इनसे बात करती हूँ। कोई तो वजह होगी ना इनकार की। सुल्तान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, फिर उसकी माँ खुद रिश्ता लेकर आई है, यकीनन उसके बेटे की भी मर्जी शामिल होगी। ऐश करेगी हमारी साइमा, ऐश। जहेज में क्या क्या देना पड़ेगा? उसकी क्या जरूरत है, माशाल्लाह फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन अल्लाह का दिया सब है उनके घर में। शमसा खातून, लालच और हिर्स भी इसी दुनिया की चीजें हैं। लेकिन सुल्तान की अम्मा तो खुद कह रही थी कि वो हमारी साइमा को दो कपड़ों में ले जाएंगी। सब यही कहते हैं, सब यही कहते हैं शमसा खातून। और जब बहू खाली हाथ आ जाए तो हजारों बातें बनाते हैं। हम भी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ तो देंगे ना, ऐसे खाली हाथ तो रुखसत नहीं करेंगे। हैसियत? हैसियत के मुताबिक बारातियों के खाने और तंबू खनातों के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं है तो क्या हुआ, कहीं से उधार ले लेंगे 50-60 हजार रुपए, और फिर कई साल हम ये 50-60 हजार उतारते रहेंगे, है ना? शमशा खातून तुम कितने पैसे कमाती हो महीने के? कुल 8 हजार रुपए। इसमें तुम घर का खर्चा चलाओगी या कर्जे उतारते फिरोगी? तो क्या इस डर से हम सारी जिंदगी अपनी बेटी को घर बिठा कर? हाँ बिठाए रखेंगे। और अगर तुम्हें दो रोटियां भारी पड़ रही हैं बेटी की, तो मैं बाहर जाके भीख मांग के ले आऊंगा। वैसे ही लंगड़ा हूं मैं, लोग मुझ पर ज्यादा ही तरस खाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप, मैं तो सिर्फ वजह पूछ रही हूं आपसे। ये वजह काफी नहीं है कि मैं इनकार कर रहा हूं इससे? मगर क्यों साइमा के अब्बा,
क्यों? तुम्हारी इस क्यों क्यों का एक ही जवाब है मेरे पास, तलाक चाहिए। जाओ फौजिया के पास, इंतजार कर रही होगी, कॉलेज की छुट्टी हो गई होगी। आधा किलो चावल दे दीजिए। साइमा, अगर मैं आपको पसंद नहीं था तो मुझे पहले ही बता देते, मैं रिश्ता ही नहीं बेचता आपके। मैंने ऐसा नहीं कहा था आपसे करने के लिए। लेकिन आपने रोका भी नहीं था मुझे। मुझे सब्जी लेनी है, मैं जा रही हूँ। साइमा, सिर्फ इतना बता दें कि मना आपने किया या आपके अम्मी अब्बू ने, ताकि मुझे पता चल सके मैं उनकी गलतफहमी दूर करने में कामयाब हो सकूं। इनकार मैंने किया। बेटा कुछ नहीं अम्मा, ये तेरी जो मुस्कुराहट है ना, ये तेरे अंदर का दर्द मुझसे छुपा नहीं सकती। माँ हूँ मैं तेरी। नहीं अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक। तेरे रिश्ते की बात अभी भी बरकरार है। मगर अम्मा, आज सुल्तान की माँ मेरे पास दोबारा आई थी, बोल रही थी मैं तेरे अब्बू से फिर से बात करूं, और आज तेरे अब्बू का मूड भी मुझे अच्छा लग रहा है। आज मौका देखते ही बात करूंगी, और तू भी अपने लिए दुआ करना। अल्लाह करे उन्हें समझ आ जाए। बात तो सही कह रही है, अल्लाह करे उन्हें समझ आ जाए। मैं परेशान कर रही हूँ या वो लंगड़ा? तुम्हें तमीज है? मेरी जिंदगी का फैसला सिर्फ मेरे अब्बा करेंगे। आने में इतनी देर? हाँ, कसमें वादे कर रही होगी ना उसके साथ। सुल्तान की अम्मा आज फिर आई थी, और पता है अम्मा से बहुत मिन्नतें कर रही थी, लेकिन अम्मा ने तो कह दिया कि उन्हें कोई एतराज नहीं। अब्बा ने ही इनकार कर दिया। क्यों, उन्होंने इस तरह क्यों कहा? मेरा मतलब उन्हें इस तरह कहना नहीं चाहिए था। क्यों? मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं। साइमा, तू मेरी एक बात मान, तू एक काम कर, तू भाग जा। यकीन जान सुल्तान भाई बहुत अच्छे हैं। तुम पागल हो गई हो? मैं सच कह रही हूँ, ऐसे रिश्तों के लिए तो लोग तरसते हैं। फौजिया, तुम बोलने से पहले सोच लिया करो कि तुम क्या और किससे बात कर रही हो। मैं बिल्कुल सोच समझ के ही बात कर रही हूँ। अब्बा ज्यादती कर रहे हैं तुम्हारे साथ। तो करने दो, वो अब्बा है हमारे, हमारा फ्यूचर हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं वो। अब प्लीज अपनी ये बकबक बंद करो। मैं तो अपनी ये बकबक बंद कर लूंगी, लेकिन तेरी जुबान पे ना ये ताले हमेशा भर के लिए लग जाएंगे। लगे रहने दो ताले मेरी जुबान पर। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अब्बा की आंखें झुकें, उनकी इज्जत पर कोई बात आए। अगर जिंदगी भर मुझे इस चौकर पर बैठना पड़ा तो भी मैं इस बात को बुरा नहीं मानूंगा। मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ।
वो साइमा के अब्बा? मैं कह रही थी कि एक बार फिर सोच लेते। क्या? वो साइमा के रिश्ते के बारे में। तुम ऐसा क्यों समझती हो पागल औरत कि जो मैंने पहले कहा वो मैंने बगैर सोचे समझे कह दिया था? नहीं मगर साइमा, सो जाओ। इसीलिए अल्लाह पाक ने अब्बा को माजूर बनाया। अगर वो सही होते ना तो पता नहीं क्या हाल करते हम। फौजिया, ऐसा बाप तो अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी ना दे। यार तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैं परेशान कर रही हूँ या वो लंगड़ा? तुम्हें तमीज है? तुम किसके लिए बात कर रही हो? बाप है वो हमारा। अगली दफा अगर अब्बा के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा और कोई है भी नहीं जो खुद अपनी जिंदगी के साथ बुरा कर रहा है। मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं। लेकिन अब्बा के लिए अगली दफा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल मत करना, मतलब मत करना। मैं खाना लगाने जा रही हूँ, अगर खाना है तो आ जाना। मेरा रात का बिस्तर भी अलग बिछा देना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना अब। अम्मा मैं सौदा लेकर आ रही हूं। इतना सज समर के? वापस तो आ जाओगी ना अपनी बड़ी बहन की तरह? हमारा मुंह काला करके तो नहीं चली जाओगी? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ला साइमा मुझे पैसे दे, मैं लेकर आती हूँ। इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी भरोसा नहीं है इस पे। तुम किस तरह मुतमईन होगे? वो तरीका हमें बता दो। जो मैंने कहा है ना ये वही करेगी, ये देख लेना तुम। आखिर माँ की गोद का भी तो असर होता है ना कुछ। साइमा, मुझे अम्मी ने सब बता दिया कि इनकार आपने नहीं आपके अब्बा ने किया था। साइमा मैं आपसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकता लेकिन अगर आप मुझे नहीं मिली तो मैं जी नहीं सकूंगा। साइमा सुल्तान आपको मेरी जान की कसम है आप कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। क्यों कहो ना क्यों? कह तो दिया आपसे। साइमा अगर आपके अब्बा नहीं मान रहे तो हम कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। मैं अपनी अम्मी को भी राजी कर लूंगा। साइमा मेरी जिंदगी का फैसला मैं नहीं कर सकती, मेरी जिंदगी का फैसला सिर्फ मेरा अब्बा करेंगे। आने में इतनी देर? हाँ कसमें वादे कर रही होगी ना उसके साथ। खुदा के लिए साइमा के अब्बू, इस तरह तो कोई गैर किसी के बारे में बात नहीं करता। तो किसी को जरूरत भी नहीं किसी गैर के बारे में बात करने की। जिसकी इज्जत खाक में मिलाई जा रही है तकलीफ तो उसको होगी ना। अगर इज्जत इतनी प्यारी है तो इसे घर से बाहर भेजते क्यों? हाँ घर में रहने वाली तो भागी नहीं ना कोई। तो क्या करे फिर ये? क्या अपना गला दबा ले? गला दबाने से मुझे क्या मिलेगा?
शमसा खातून, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारी ये बेटी बड़ी बेटी की तरह हमारा मुंह काला करके ना चली जाए। मुझे लगता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, नहीं होगी मेरी ख्वाहिश। अगर मैं चली गई तो अगर आशा एतबार भी खत्म हो जाएगा। इससे बेहतर है मैं खुद को खत्म कर लूं। उसके साथ मैं नहीं जा सकती। अगर मैं चली गई तो मगर आशा एतबार भी खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा उनका एतबार। मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती। की दवाई लेकर आई थी। बिस्तर पे रख दो। अब जाओ। रुको वे। जी जी अब्बा। बाजार से पकाने के लिए क्या लाई थी? अब वो फ्रिज में सब्जी रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि सब्जी खा लेते हम लोग। मैं बचा कुचा खाना नहीं खाता हूँ। बाजार जाओ और दाल ले आओ। करप्पा, हम इतने दिनों से दाल ही खा रहे थे तो मैंने सोचा बाजार से दाल ले आओ। मैंने कहा ना जी, जैसे आप बोले। और बोलिया ठीक करके जाना। चाहिए था। पूछोगी नहीं क्यों दुकान बंद कर रहा हूँ? क्यों? किसी काम में दिल नहीं लगता, सांस लेना मेरा मुश्किल हो गया है। साइमा सिर्फ तुम मेरी ही नहीं अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो। वालदैन को दुख देकर क्या कभी कोई खुश रहा है? साइमा, बाद में उन्हें मना लेंगे। वो कभी नहीं मानेंगे। सादिया को गए हुए 5 साल हो चुके हैं, अबू ने आज तक उसे माफ नहीं किया। वो मुझे माफ कर देंगे तो अब मैं क्या करूं? साइमा बताओ मुझे। आप किसी अच्छी लड़की से शादी कर लीजिए।
इससे बेहतर है मैं खुद को खत्म कर लूं। ये काम मैं अपने साथ भी कर सकती हूँ। अम्मा, अम्मा, अम्मा पूरे घर में नहीं, कहाँ चली गई अम्मा? अम्मा कहाँ गई थी आप? मैं ढूंढ रही थी आपको। मैं सुल्तान के घर गई। सुल्तान के घर क्यों गई थी आप? हाँ, एक फैसला लेने, तेरी जिंदगी का फैसला लेने। अगर मैं अब्बा की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी, उनका एतबार? एतबार ही तो नहीं किया, ना मेरी तरबियत, ना अपने खून पे। किस एतबार के लिए तू अपनी खुशियां कुर्बान करना चाहती है? बाप की इज्जत की खातिर जान तक दे देना और बेटी का फर्ज होता है माँ। और बाप का कोई फर्ज नहीं होता? अगर तेरे दिल में मेरी थोड़ी सी भी इज्जत, तो मेरे फैसले का मान रख लेना। वो आज रात को ठीक 11 बजे तेरा घर के बाहर इंतजार करेगा। निकाह की सारी तैयारियां हो गई। उसकी माँ ने खुद कहा है कि वो तेरी माँ बनकर सारे फर्ज पूरे करेगी। मगर अम्मा, फैसला तेरे हाथ। शमशा, कब से इंतजार कर रहा हूं मैं? अभी तुम्हारी बेटी क्या मुझे चाय और नाश्ते को भी तरसाएगी? साइमा घर पे नहीं है। साइमा घर पे नहीं है? कहां गई है? भाग गई। क्या भाग गई? और तुम यहां बैठी पानी से खेल रही हो? ये मालूम था कि वो एक नए दिन गुल खिलाएगी। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर उसका किसी ने नाम इस घर में लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा मुझसे बुरा।
मौके पर क्या सरप्राइज दे रही हो आलियान भाई को? यार मैंने अम्मी से बात की है, सीधा घर लेकर आऊंगी उसे। शादी तो कर लोगी तुम, पर ये जो मोहब्बत है इसे कैसे छुपाओगी तुम? मैं आलियान से मोहब्बत नहीं करती। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम, उम्र भर का पछतावा रहेगा।